ये देखो यार, ये हमारा नया बंदर मार्केट में आया अभी। दिखाओ। एक बंदर ये रहा। ये देखो यार, ये वही छत है जिसपे हमने अपना सारा बचपन गुजारा है। ये पेड़ है जामुन का, इसके ऊपर वो टॉप पे जाके हम जामुन खाया करते थे। एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये पीछे फैक्ट्री है जो बहुत ही शानदार है। ये हमारी सीक्रेट प्लेस होती थी छुपने की। वो सामने अमरूद का पेड़ है एंड ये है संतरे का। और ये हमने टीन्स रखी हैं। ये देखो, ये एक और यहाँ पे पेड़ है। एंड ये सारा घर का आसपास आप देख सकते हो कितना प्यारा है सब। पीछे से लाइंस जाती हैं, इधर से बंदे, इधर हमारा थोड़ा सा छोटा सा घर है। ये जो चीज़ें हैं ये किराएदार रहते हैं, वो सामने मेरी नानी का घर है। एंड ये देखो भी कितनी अच्छी चीज़ है ना, यहाँ पे मज़ा बहुत आता है। बस ऐसे चिरकुट अगर ना हो तो, मतलब पहले हम यहाँ पे इतना ज़्यादा खेलते थे ना। ये देखो यार, पता है यहाँ पे हमने अपना सारा बचपन गुजारा है। हर मई जून की छुट्टियाँ में हम यहाँ आया करते थे और काफ़ी ज़्यादा फन करते थे। मेरे और भी छोटे भाई बहन हैं, जैसे कनिष तो थोड़ी सी लेट आया, बट काव्या एंड ध्रुव वो दोनों सबसे पहले आए थे। एंड काफ़ी अच्छे भी हैं वो, मतलब फुल शैतानी करते हैं बट बच्चे अच्छे हैं। और बाकी सब ठीक ठाक है। तो जैसे आई होप कि आपने, एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखना शायद हो अभी शायद। ये देखना, यहाँ से अंदर जाने की जगह, ये देखो यहाँ पे अभी मई जून का महीना है ना, तो अभी जामुन भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और थोड़ा सा अंदर जाते हैं हम यहाँ से। ये देखो ये आ गए अंदर। ये देखो, एंड ये यहाँ पे हम जाके जामुन खाते थे, वो सामने भी हम चले इस डाली पे। जब भी हमें जामुन खाने का मन होता था तो हम यहाँ पे बैठते। और नीचे भी एक हमारी सीक्रेट प्लेस है, यहाँ पे हम छुपन छुपाई जैसे खेल खेलते थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है एंड प्यारी, आई होप आपको भी प्यारी। वो सामने भी है। और ये देखो, नीचे देखो तुझे। पहले हमारा दौर था, अभी इन बंदरों का दौर है। तो चलो यार, मतलब कुछ जगह या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ इंसानों की जो मेमोरीज जुड़ी होती हैं बहुत सारी। तो आपकी कोई ऐसी जगह है तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ साफ नहीं आएगी। तो हम चलते हैं यहाँ से कहीं और, मतलब बंदर ही चला गया यहाँ से। ये देखो आगे तक। एंड ये लीफ पे जब आप, ये देखना आवाज़ सुनना, ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई है बहुत इसको ऐसे करना। देखो ये बन गया है। अगर इनको आग लगाएंगे यहाँ पे साफ करके तो बहुत ज़्यादा आग लग जाए। सो हम ऐसा पंगा नहीं करने वाले, पहले एक बार मैंने कर दिया था बट अब नहीं। मतलब हर जगह ये देखो पत्ते ही पत्ते हैं, काफ़ी रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है जो हमने अभी तक ढूंढी है। तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। और एक चीज़ देखना, इसके ये आ गई हम, ये देखो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बस अगर ये डाली ना हो तो इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है। एंड ऊपर एकदम, तब काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। मतलब ये हमें जगह पहली बार तब पता चली थी जब आज से कम 15 साल पहले हम, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें पता लगने लगा था जैसे हम इसके जितने थे, छोटे छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम घूमा करते थे। तब काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी यहाँ रहते थे, मतलब फिर किराएदारों के बच्चे भी बहुत थे। उनके साथ रोज़ शाम को खेलना, सुबह खेलना, बस खेलना ही खेलना, यही लाइफ थी। एंड अब जो लाइफ है वो है बस थोड़ा सा काम और बहुत सारा काम, बस काम ही काम। एंड
और घर बाहर की थोड़ी सी चीज़ें, बस यही लाइफ है। बट यहाँ आके एंजॉय, एक मन को ठंडक भी मिलती है। तो इसी के साथ मैंने आपको अपने लाइफ की एक और ज़्यादा प्यारी सी प्लेस दिखा दी है, जो मेरी नानी के घर की छत के ऊपर है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।